सब्सक्राइब करें चांदनीज डीआईवाई डेकोर को इंटरेस्टिंग डीआईवाई वीडियोस के लिए, और साथ ही प्रेस करें इस बेल आइकन को नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका चांदनीज डीआईवाई डेकोर में। हमारा आज का डीआईवाई है फिंगर रिंग। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक नहीं बल्कि 5-5 डीआईवाई फिंगर रिंग का आइडिया लेकर आई हूँ। तो आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है। मैंने इसे प्लास्टिक बॉटल और शिल्पकार क्ले का यूज़ करके बनाया है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें लेनी है प्लास्टिक की बॉटल और उससे रिंग बनाना है। तो सबसे पहले उसे इस तरह से कट कर लेंगे, उसे अपने फिंगर्स के साइज से मेज़र कर लेंगे और टेप से इस तरह से चिपका लेंगे। अब मीडियम हीट प्रेस की हेल्प से इसके किनारों को थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें रिंग का बेस रेडी कर लेना है। अब हमें प्लास्टिक बॉटल में से इस तरह का राउंड पीस कट करना है। इसे थोड़ा सा कट कर लेंगे और टेप की हेल्प से इसे इस तरह का शेप दे देंगे। अब हमें लेनी है शिल्पकार क्ले या किसी भी तरह की एयर ड्राई क्ले। क्ले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और रिंग के लिए जो हमने बेस बनाकर रखा है उसे क्ले से इस तरह से कवर कर लेंगे। इसे वाटर और पाउडर की हेल्प से अच्छे से शेप दे देंगे। अब थोड़ा सा और क्ले की हेल्प से इसका जो टॉप का पार्ट है उसे अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी ग्लू लगाकर हम क्ले लगाएंगे कुछ इस तरह से, और इसे पाउडर की हेल्प से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। अब हमें लेनी है स्टोन चेन और इस तरह के बटन। ये सारे मटेरियल आपको जहाँ सिलाई बुनाई के आइटम मिलते हैं वहाँ मिल जाएंगे, या फिर आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसे अच्छी तरह से ग्लू लगाकर और इस तरह से प्रेस करते हुए हमें क्ले में चिपका लेना है। और इसका नीचे का जो क्ले वाला पार्ट है उसे हमें गोल्डन कलर से इस तरह से कलर कर लेना है। इसे ड्राई होने देंगे और बस हमारा पहला रिंग बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं इसे बनाना कितना आसान था और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत दिख रहा है। अब चलते हैं दूसरे रिंग की तरफ। जैसे हमने पहले रिंग का नीचे का बेस रेडी किया था वैसे ही इसके लिए भी कर लेना है। और एक और प्लास्टिक का राउंड पीस लेंगे, उसके ऊपर इस तरह से क्ले अप्लाई कर लेंगे और थोड़े और क्ले के साथ हमें इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। इसे गोल्डन कलर से कलर कर लेंगे। इस तरह के रेड एंड वाइट स्टोन लेंगे और इसे ग्लू की हेल्प से इस तरह से क्ले पे चिपका लेंगे। तो इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मटेरियल का यूज करके अलग अलग तरह के डिजाइन के रिंग बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं जिस मटेरियल का यूज कर रही हूँ आप भी उसी का यूज करके बनाएं। आपके पास जो इजिली अवेलेबल हो उसी से आप बना सकते हैं। और बस हमारा सेकेंड रिंग भी बनकर रेडी है। अब चलते हैं तीसरे रिंग की तरफ। इसके लिए मैंने सिर्फ क्ले का ही यूज किया है। इसके लिए हम सबसे पहले क्ले का यूज करके इस तरह से हमें रोज बनाना है।
इसे अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे और उसके बाद इन दोनों को क्ले की हेल्प से इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब इसे अपनी चॉइस के कलर से कलर कर लें और बस आपका रिंग रेडी हो जाएगा। और बस इस तरह से हमारा रोज रिंग भी बनकर रेडी है। अगर आपको बड़े साइज के रिंग पसंद है तो आप रोज का साइज बड़ा करके इसे बड़े साइज का भी बना सकते हैं। अब चलते हैं हमारे फोर्थ रिंग की तरफ। तो उसके लिए भी हमें सेम नीचे और ऊपर का पार्ट इस तरह से अटैच कर लेना है और अब इसके ऊपर क्ले अप्लाई कर लेंगे। अब हमें लेना है एक बड़े साइज का मिरर और उसे ग्लू की हेल्प से इस तरह से मिडिल में प्लेस कर लेंगे। अब हम इसमें क्ले से ही इस तरह से डिजाइन बना लेंगे। आजकल सिल्वर ज्वेलरी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है तो मैं इसे कुछ ऐसा ही लुक देने वाली हूँ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। इस तरह से आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज करके जैसा चाहें वैसा डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब इसे हम पहले ब्लैक कलर से कलर करेंगे और जब ब्लैक कलर पूरी तरह से ड्राई हो जाए तो उसके बाद हम उंगलियों पे सिल्वर कलर लगाकर इसे इस तरह से हाईलाइट करेंगे। और इस तरह से हमारा फोर्थ रिंग भी बनकर रेडी है। तो इस तरह से आप एयर ड्राई क्ले का यूज करके डिफरेंट टाइप के सिल्वर ज्वेलरी डीआईवाई कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे फिफ्थ और लास्ट रिंग की तरफ। तो उसके लिए वापस मैंने इन दोनों को इस तरह से अटैच कर लिया है। इसके ऊपर इस तरह से क्ले लगा लेंगे। अब लेनी है हाफ पर्ल और पर्ल चेन और ग्लू की हेल्प से इसे इस तरह से क्ले के ऊपर सेट कर लेंगे। नीचे का पार्ट गोल्डन कलर से कलर कर लें और बस हमारा फिफ्थ एंड लास्ट पर्ल रिंग भी बनकर रेडी है। तो देखा आपने इन्हें बनाना कितना आसान था और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा रिंग सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग DIY आइडियाज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ जल्द ही एक नए DIY आइडिया के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।